मुकुंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की हल्दी सेरेमनी इस वक्त खूब लाइमलाइट में बनी हुई है। कई सितारे इस दौरान शामिल हुए। रणवीर सिंह, जानवी कपूर, सारा अली खान, अनन्या पांडे के अलावा सलमान खान भी इस दौरान फंक्शन में नजर आए। हालांकि जब वो बाहर निकले तो उनका हुलिया कुछ और ही देखने को मिल रहा था, जिसके बाद उनकी शादी की चर्चाएं एक बार फिर से शुरू हो गई। दरअसल जब सलमान खान अनंत और राधिका की हल्दी सेरेमनी में पहुंचे थे तो उन्हें काले रंग के कुर्ते में देखा गया था, लेकिन जब वो बाहर आए तो उनके कुर्ते को पीले रंग में देखा गया, जिसके बाद पेपराजी ने उन्हें सिकंदर सिकंदर कहकर बुलाना शुरू कर दिया, जिसकी शूटिंग वो फिलहाल कर रहे हैं। हल्दी सेरेमनी से बाहर आते हुए सलमान खान काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। अब सलमान खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस ने अपने प्यारे भाईजान की शादी की बातें भी करनी शुरू कर दी हैं। इस दौरान एक फैन ने लिखा, हल्दी लग गई है बेबी को। तो एक और यूजर ने लिखा, सलमान को अब जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए। तो एक और यूजर ने सलमान खान के ऊपर कमेंट किया और कहा, क्या नजारा है भाई, जल्दी से शादी कर लो। सलमान खान का नाम वैसे आपको बता दे कई लोगों के साथ जुड़ चुका है। हाल ही में हुए एक प्री वेडिंग फंक्शन में सलमान खान को कथित गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर के साथ भी देखा गया था। इस दौरान सलमान खान ने ब्लैक कलर का आउटफिट कैरी किया हुआ था, तो वहीं यूलिया को भी उनसे मैचिंग मैचिंग वेयर में देखा गया। इस दौरान दोनों ट्विनिंग करते नजर आए। हालांकि वो अलग अलग पहुंचे थे, लेकिन बाद में दोनों को मिलते जुलते भी देखा गया। सलमान खान के काम की बात करें तो फिलहाल वो सिकंदर की शूटिंग में काफी ज्यादा बिजी हैं, जो कि अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। इसमें प्रतीक बब्बर, रश्मिका मंदाना और सत्यराज नजर आएंगे। फिलहाल आपको बता दें, सोशल मीडिया पर चारों तरफ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की फंक्शंस की तस्वीरें और वीडियोज फैली हुई है। ऐसे में सितारों के भी काफी सारे वीडियो सामने आए हैं। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, टीना अंबानी, अनिल अंबानी से लेकर काफी सारे सितारों को यहां पर देखा गया।